नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज का विषय है विचार और आचरण। विचार और आचरण को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जिसके माध्यम से आप इस को समझने में आपको आसानी होगी, आप आसानी से इसे भली भांति समझ जाएंगे। शहीद चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ 3 ही गालियां आती थी, गधा, उल्लू का पट्टा और नालायक। चौथी गाली उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सीखी और जरूरत भी नहीं पड़ी। जब भी वो क्रोध से भर जाते तो ये 3 ही गालियां बोलते हैं। इस पर एक व्यक्ति ने उनसे ये पूछा कि आप जब भी क्रोध से भर जाते हो, गुस्से में हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, तो आप सिर्फ 3 ही गालियां बोलते हो, गधा, नालायक और उल्लू का पट्टा। एक ही कैसेट को आप बार बार बजाते हो, चौथी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको कभी। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़े ही मुस्कुराते हुए अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और कहा कि 3 गालियां काफी है, बाद में बोली। पहले गाली, बाद में बोली, चौथी गाली सीखने की जरूरत नहीं है। मैं इस सूत्र को मानता हूं कि अपने विचारों को आचरण में लाना चाहिए। गाली मेरे विचार है और गोली मेरा आचरण है। आप जिन इच्छाओं को दबा के रखते हो, आप विचारों में जिन इच्छाओं को दबा के रखते हो, वही आपके आचरण में छलक जाता है। आप जिन इच्छाओं को विचारों में दबा के रखते हो, वही इच्छाएं आपके आचरण में छलक जाती है। आचरण का अर्थ इतना ही है, परत दर परत विचारों का संग्रह। परत दर परत विचारों का संग्रह ही लास्ट में आचरण में तब्दील हो जाता है। आपने जो पहले कभी विचार किए थे, वो आज आपका आचरण है। आपने जो आज विचार किए हैं, वो आने वाले कल में आपका आचरण बन जाएगा। और जिस आचरण को आप कर चुके हो, जिस एक्ट को आप आज जीवन में कर चुके हो, वो कभी ना कभी आपके विचार हुए होंगे। आपके विचार ही आपके आचरण में तब्दील हो जाते हैं। आपके विचार ही वास्तविक वस्तुओं में तब्दील हो जाते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति को एक दिन में 60,000 से 80,000 विचार आते हैं, यानी कि प्रति घंटे एक व्यक्ति को 2500 से 3300 तक विचार आते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बड़ी अद्भुत बात है। अब इन विचारों में से कौन से विचार पे आपको विचार करना है, कौन से विचारों को आपको अपनाना है, और आप जिन विचारों पे विचार करके उन्हें अपनाएंगे, वही आपका आचरण बन जाएगा। जिन विचारों को आप आज अपनाएंगे, वही आपका कल, आने वाले कल में आपका आचरण बन जाएगा। तो ये बहुत महत्व की बात है कि इन विचारों में से कौन से विचारों को आपको अपनाना है और कौन से विचारों को आपको छोड़ देना है। अच्छे विचारों को अपनाएंगे तो आप उस पर आचरण करके एक अच्छा जीवन जिएंगे। बुरे विचारों को अपनाएंगे, क्रोध से भरे विचारों को अपनाएंगे, तो आचरण भी हिंसा ही होने वाला है। क्रोध का आचरण हिंसा ही है, क्रोध से भरे विचारों का अंत हिंसा पे ही होने वाला है। तो ये बहुत महत्व की बात है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अच्छे विचारों को अपनाएं, ताकि उन्हें अपना के आप उस पर आचरण करें। और विचार और आचरण कोई दो अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि एक ही यात्रा के हिस्से है। विचार और आचरण जीवन की एक ही यात्रा के दो हिस्से है। विचार पहला कदम और आचरण अंतिम कदम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने विचार और आचरण में क्या भेद है और उसमें कैसे आगे बढ़ा जाता है और किस प्रकार के विचारों को आपको जीवन में सोचना चाहिए और उसे आचरण में लाके कैसे अपने जीवन को बदलना चाहिए, आपको मैंने समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। और अगर हाँ, वीडियो आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो पे शेयर और लाइक जरूर बनता है। और अभी तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी अच्छे विषय के साथ मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।